सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2020 में माइंड मशीनरी से जो भी क्वेश्चन आया है उनका सोल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग का प्रॉब्लम है। एक साइड में आपकी सेफ्टी अरेंजमेंट दिया हुआ है हॉस्टिंग का, और उसके फंक्शन को दिया गया है। डेटा सिंक हो हमारा किस काम में आता है, तो देखेंगे ओवर बाइंडिंग सेफ्टी ऑन द सरफेस पहला ही ऑप्शन लग रहा है। टेस्टिंग केस तो होगा ही नहीं। ओवरबाइंडिंग सेफ्टी अंडरग्राउंड में तो कोई काम ही नहीं करता, ये सीधा सीधा इसमें करता है। तो P1, तो P1 मतलब यहाँ पे देखिए P2 है ये ऑप्शन खत्म, ये P3 ये खत्म। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन में संभावना जताई जा सकती है। देखते हैं आगे। क्यू नैरो रिजिड गार्ड, ये हमारा अंडरग्राउंड में जो लगे रहते हैं ना आपका, जिसपे केस हमारा क्या करता है, एक उस पर सरकता है, ठीक है ना। तो वो हमारा कि ओवर बाइंड ना हो जाए इधर से उधर, अगर वो नहीं लगेगा रहेगा तो किधर भी हवा के कारण इधर उधर भी वोट करेगा मोमेंट, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए हमारा ये अंडरग्राउंड में ही एक ओवर बाइंडिंग एक सेफ्टी केस सेफ्टी फंक्शन है इसका, रिजिड गाइड का। तो जस्ट ये आपका इसका तो यही हो जाएगा Q3। तो Q3 इसमें तो है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और केप्स जो है हमारा रेस्टिंग केस होता है, जहाँ पे आपका जैसे केस आया तो उस पर आके वो रेस्ट होता है टॉप पे, ठीक है ना, सरफेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायर रोप से प्रॉब्लम पूछा गया है। जस्ट एक साइड में रोप टाइप दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप नहीं जानने पड़े हो तभी लगा सकते हो। राउंड स्टैंड है तो मतलब समझिए आप हाफ लॉग्ड एंड फ्लैटन एंड फुल लॉग। तो फुल आप फुल इसमें लॉग्ड कॉइल कौन सा दिखता है जो एकदम फुल हो टोटली? तो आपको यहाँ पे देखोगे कि जो S1 है आपको पूरा फुल दिख रहा है, इसमें पूरा कहीं भी आप कहीं यहाँ पे पार्टिंग नहीं है, यहाँ पे सीधा फुल दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो हाफ लॉक्ड कॉइल क्यू क्यू को पकड़ो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कि इसमें आपका कहीं ये जो ये वाला जगह जो है, ये वाला जगह पार्टिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें भी आपको नहीं है फिर। तो ये वाला जो पोर्सन है यहाँ पे हाफ लॉक्ड कॉइल हो जाएगा। तो क्यू का टू, दो ऑप्शन मुझे सही से मिल गया। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, देखिएगा इसमें आई थिंक मिसिंग है कुछ। ये आपका 1 3 4, ये आपका 2 रहा होगा, इसका 3 2 4, इसमें से 1 रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं Q2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें Q2 है, इसमें भी Q2 है, इसमें भी Q2 है, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। S1 में आते हैं, S1 में इसमें भी तीनों में S1 है। अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के लिए हम लोग को राउंड स्टैंड को देखना पड़ेगा। राउंड स्टैंड जो है P, उसमें देखिए राउंडेड टाइप का क्या है, आपके ये राउंडेड टाइप का है, दिस दिस एंड दिस, ये राउंडेड टाइप का है। तो P का 3 लग रहा है मेरा, और फ्लैटन टाइप का थोड़ा फ्लैट टाइप का देखिए इस टाइप से ये आ रहा है, ये आ रहा है फ्लैटन टाइप का। तो ये आपका हो जाएगा R का 4, R4 आ गया, R4, तो R4 इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ R3 वाला। फिर इसके बाद हम लोग किसमें आते हैं, P3 देखते हैं। P3 किसमें है, P3 आई थिंक इसमें भी है, इसमें भी है, आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हुआ है। 1 3 4 2, 3 2 4 1, ठीक है। इसमें देखिए आई थिंक यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है ना, ये आई थिंक यहाँ पे आपका ये कुछ और होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत गलत हो रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट मैचिंग होगा आप लोग देख लीजिएगा इस पेपर को, ये आपका P3 और Q2, ठीक है, और यहाँ पे R4 और फ्लैटन का, और ये इसका फुल लॉक्ड कॉइल का S1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसमें भी है, इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पे शायद आई थिंक कुछ और होगा, मुझे क्लियर पता नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ और बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम देखिएगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे मैं इसको मान रहा हूँ ये वाला सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसमें होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर। तो आप मैं ऑप्शन कुछ भी रहे आप ऑर्डर वो पता हो वहाँ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट आपका जैक हमर ड्रिल से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कई बार पूछा है कि जो रेसेट एंड पावर मैकेनिज्म होता है उसमें वो क्या करता है हमारा। वो अगर ना जो मेरा राइफल है, राइफल बार होता है ना, जो जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका जैक है मेरा,
इस तरह से, जो कि आपको ब्रेक करता है। तो ये क्या करता है, ये अगर हल्का इसका जो अगर रिवर्स रोटेशन हुआ ना, तो उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है, नहीं होने देता है, ठीक है। जस्ट इसका एक ही मैकेनिज्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैसा दिख रहा है। जो रेचन एंड पावल मैकेनिज्म इसमें होता है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, जो राइफल वार है, जो ये राइफल वार है ना, जस्ट ये राइफल निकला हुआ जो तोड़ता है, उसके जो मोमेंट है ना, उसको उसको रिवर्स नहीं होने देता है, ठीक है। तो जस्ट ये आपका सही होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, जस्ट पूछा है बेल ड्राइव क्वेश्चन है, जिसमें पढ़ लेते हैं एक बार क्या दिया है। ए बेल ड्राइव यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पैरेलल शॉफ्ट हैज बेल्ट ऑफ मास कुछ इतना, मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इज इतना, द सेंट्रिफ्यूगल टेंशन इन 1/3 ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल बेल्ट टेंशन, द स्पीड एट विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड। देखो, जब सेंट्रिफ्यूगल टेंशन इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल बेल्ट, तो इस केस में मेरा क्या होता है, इस केस में जो मेरा वेलोसिटी का जो फार्मूला आता है, उसी तरह से मैंने क्लास में डिराइव करा रखा है, जो ऑनलाइन क्लास है, वो आपका हो जाता है वी इज इक्वल टू T1/3W। T1 क्या है सर, मैक्सिमम बेल्ट का टेंशन कितना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मैक्सिमम बेल्ट टेंशन, ठीक है। इसका W क्या है आपका, जस्ट आपका जो मास है ना, मास, वो जो मास है वो मास पर मीटर, ठीक है ना, मास पर मीटर, यह है। जिसमें वैल्यू को रखोगे सीधा सीधा सीधा, यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर आएगा यहाँ पे 3 × 1.2। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग आता है आंसर, वो आता है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्वेयर बेल्ट कंज्यूम 60 किलोवाट पावर वाइल रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ लैप इज इतना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज 0.2, द मैक्सिमम टेंशन इन किलोवाट इन द बेल्ट। सो यहाँ पे आपका सीधा सीधा देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कि जो दो दो चीज होता है, कि अगर कहीं पे आपका बेल्ट कन्वेयर है, यहाँ पे एंगल ऑफ लैप दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और मैक्सिमम टेंशन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टेंशन किसको बोलते हैं, मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, T1 क्या होता है, मैंने दिखाया था इतना छोटे होता है वो टेंशन इन टाइट साइड, और T2 क्या होता है, टेंशन इन स्लैक साइड, सो हम लोग यहाँ पे सीधा एक फार्मूला मुझे पता है जो होता है आपका T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, सो ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम टेंशन पूछ रहा है, मैक्सिमम टेंशन मतलब T1, ठीक है, T1, तो मैक्सिमम टेंशन T1 निकालना है मुझे यहाँ पे सीधा सीधा। तो जो टाइट साइड में जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम टेंशन होता है, ठीक है ना। तो T1 यहाँ पे आ जाएगा T2e की पावर μ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे पावर दिया है और स्पीड दिया है, यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, F × V होता है, और यहाँ पे जो F होगा वो क्या हो जाएगा, P/V, और पावर यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा देखा जाए तो ये आपका 20 किलो न्यूटन आ जाएगा, ये क्योंकि किलो वाट में दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 20 किलो न्यूटन आ गया, तो यहाँ पे आपका सीधा जो ये क्या है, दिस इज वॉट T1, सॉरी T2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 20 × E की पावर 0.2 μ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए एंगल ऑफ लैप इतना डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 180, ठीक है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, सीधा सीधा मैं इसको रेडियन में चेंज कर लेता हूँ, तो रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन सीधा सीधा, तो यहाँ पे मैं इसको रेडियन में ही लिख लेता हूँ, तो पाई, ये यहाँ पे पाई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.48, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, किलो न्यूटन। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें आपको ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि ये आपको रिलेशनशिप
सिन निकला आपका टी वाला टी वन, तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे फोर्स के थ्रू हम लोग ने निकाल लिया, जो पावर के थ्रू निकाल लिया, वहाँ पे हम लोग जो टेंशन आ रहा है सिलेक्ट साइड में वो टी टू, उसको निकाल लिया, बस यहाँ पे रखा आंसर सीधा, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन थे गेट 2020 में आए हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं माइंड मशीन से उनके सोल्यूशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।